नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन का ऊपर बेस करके एक लाइव वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं। तो आज को मैं एक्सपायरी डेट का ऊपर बेस करके लाइव वीडियो बना रहा हूँ, तो एक्सपायरी डेट में कैसे कॉल को चूज़ करना है और क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने का पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग को थोड़ा ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलएस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। और भी डिटेल में जानकारी लेने के लिए आपको अकाउंट ओपनिंग का एक लिंक मिलेगा मेरा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए, लिंक को ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, आपका बस एलएस ब्लू की तरफ से फ़ोन चला जाएगा। मन में जो भी डाउट या क्वेरीज आप कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो ही ज्वाइन होइए। अब देखिए, ऑप्शन को लेके एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऑप्शन मार्केट जितना प्रॉफिटेबल है उससे काफ़ी गुना ज़्यादा रिस्की भी है। तो ऑप्शन में काम करने का तरीका क्या, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ऑप्शन में एंट्री के साथ एग्जिट भी, और एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। ऑप्शन में ज़्यादा वेट नहीं करना है, मार्केट का स्ट्रेंथ को समझना है, कहाँ पर मार्केट में स्ट्रेंथ क्रिएट हो रहा है, और विद इन हाफ एन आवर हार्डली आप मैक्सिमम वेट कीजिएगा, उससे ज़्यादा वेट मत कीजिएगा। जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसका अंदर लेके निकल जाना है। तो अभी मेरा सामने जो चार्ट खुला है ये 43,400 कॉल का चार्ट है। तो इसमें देखिए, ये जो ग्रीन कलर का एरो दिख रहा है ये आपका सिग्नल है। सिग्नल हमेशा कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू मतलब नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग वैल्यू में कन्फर्म होता है। अब सपोज ये जो कॉल बना था, ये कॉल बना था, इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू था 41.53, मतलब फिर 52 में भी बोल सकता हूँ एंट्री लेने के लिए बोल रहा है। अब इस टाइम क्या क्या चीज़ आपको देखना है, नीचे का जो रिवॉन है उसको ग्रीन होना चाहिए, तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन है जो बाय करने जा रहे हैं तो ट्रेंड बाइंग के लिए कंफर्म होना चाहिए। मिडिल में आपको दो लाइन दिखाई देगा जो ग्रीन होकर ऊपर का तरफ जा रहा है, ये भी आपको कंफर्म कर रहा है आपका कॉल को। और ये जो बाय का कॉल बना है देखिए लोअर चैनल पे बना है, लोअर चैनल इन द सेंस यहाँ पर देखिए एक ब्लू एंड रेड टाइप का लाइन दिखाई दे रहा है, और ऊपर में एक ब्लू एंड रेड टाइप का लाइन दिखाई दे रहा है। तो ऊपर का लाइन को हम लोग अपर चैनल और नीचे का लाइन को लोअर चैनल कहते हैं। तो बाय का कॉल अगर लोअर चैनल का आसपास बन रहा है तो दिस इज वेरी गुड गुड फॉर यू। तो देखिए, इस कैंडल में जब कॉल बना था, नीचे का रिबॉन नेक्स्ट कैंडल से ग्रीन हो गया, मिडिल का दोनों लाइन ग्रीन हो गया, कॉल लगभग लोअर चैनल पर बना था, और जिस टाइम आप एंट्री लेने जा रहे हैं वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है और स्पेशली ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वॉल्यूम का स्ट्रेंथ को समझना बहुत ही जरूरी पड़ेगा, क्योंकि विदाउट वॉल्यूम अगर हम लोग सिर्फ प्राइस का ऊपर बेस करके ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन में कभी भी फंस सकते हैं। तो देखिए, जिस कैंडल पे आप एंट्री लेने जा रहे हैं ऑलरेडी उस कैंडल पे मार्केट में जो वॉल्यूम है उसका प्रेशर पॉजिटिव में आ चुका है। तो बार देखिए रेड एंड ग्रीन टाइप का दिखाई दे रहा है, ग्रीन मतलब बार मतलब पॉजिटिव वॉल्यूम, रेड बार मतलब नेगेटिव वॉल्यूम। तो जिस टाइम एंट्री लेने जा रहा है यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव बार आ गया था, तो अगर मैं एंट्री लेते लेते यहाँ पर देखिए मार्केट 57.65 मतलब इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू तक भी मैं अगर वेट कर लेता हूँ तो भी मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ तो यहाँ पर आराम से आप 30 पॉइंट का प्रॉफिट निकाल लिया। देखिए मार्केट ऑलरेडी 97 का हाई मारा था, तो ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। वैसे ही आज को एक्सपायरी डेट है, थोड़ा सा ट्रेड पकड़ के जल्दी मार्केट से भागना है। और सेकेंड बात है, ये जो ऊपर का आपको चैनल दिखाई दे रहा है ब्लू एंड रेड टाइप का, ये आपका अपर चैनल है। अगर अपर चैनल को ऑलरेडी हिट कर चुका है तो समझ जाना है जो मार्केट कभी भी रिवर्स भी मार सकता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डिसिप्लिन। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी ऑप्शन में, तो 15 पॉइंट, 12 से 15 पॉइंट का टारगेट रखिए, और बैंक निफ्टी में 30 to 40 पॉइंट, हार्डली 50, उससे ज़्यादा नहीं, 50 तक भी नहीं जाना है, 30 to 35 का अंदर रहेंगे तो ही ज़्यादा रहेगा। भले ही आप थोड़ा लॉट को बढ़ा लीजिए बट पॉइंट को छोटा रखिए। तो देखिए, आज को मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, एक कॉल मिला सुबह को, विथ कंडीशन मैच था, सारा जो कंडीशन हम लोग को देखना था सारा चीज़ मैच था, तो ये ऑलरेडी प्रॉफिट देके चला गया। उसका बाद देखिए, अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा साइडवेज कर दिया है, नीचे में जो वॉल्यूम प्रेशर है वो नेगेटिव में है और मार्केट में ऐसा कोई कॉल अभी नहीं दिख रहा है। तो कैसा लगा कंसेप्ट जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच। अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं स्पेशली, या फ्यूचर इक्विटी या कॉमोडिटीज किसी में भी काम कर सकते हैं, सबके लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेबल है। ऑप्शन के लिए एकदम छोटा टाइम फ्रेम मैं जो अभी दिखा रहा हूँ, स्कैल्पिंग के लिए 3 मिनट इज द वेरी गुड, 3 मिनट का नीचे नहीं जाना है, आप 5 मिनट भी फॉलो कर सकते हैं, बट छोटा स्कैल्पिंग करने के लिए 3 मिनट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, थैंक यू।